क्लास टेंथ वेलकम इन द लेक्चर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम से पहले अभी हो सकता है आप लोग प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा डिस्कशन है ट्वेंटी ट्वेंटी वन बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास टेंथ राइट ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास सी बोर्ड में जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड e ने जो सैंपल पेपर दिए हैं उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने लिंक दे रखा है नीचे बॉक्स uh, में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक link दिया हुआ है आप सैंपल पेपर निकाल सकते हैं हो सकता है सैंपल आपके पास हो यहाँ पर पूरा एनालिसिस हो रहा है कि पेपर कैसे बनेगा क्या चेंजेस हैं स्पेशली केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कितने क्वेश्चन आएंगे और में कितने क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी किस टाइप की होगी फाइव मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे ये पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में है तो स्टूडेंट्स अपने पास पेन पेपर लेके आप बैठना एक एक चीज आप नोट करना ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है और बोर्ड एग्जाम जैसा ही आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी होगा तो डेफिनेटली अगर आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देखिए और जब बोर्ड की तैयारी करें तो वापस आप इसको देखिएगा कि एग्जैक्टली exactly बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है जो हमारे साइड है सीबीएसिक डॉट एन आई सी डॉट इन पर सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर का हमने एनालिसिस किया है राइट right? हम सिर्फ एटी मार्क्स की बात कर रहे हैं एटी मार्क्स का जो बोर्ड में पेपर आएगा उस पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एटी मार्क्स का पेपर है अब पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट से पहले हमारे होता था सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी ऐसा नहीं है दो पार्ट्स में है पार्ट ए और पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन मार्क्स के क्वेश्चन यानी वेरी स्मॉल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन वो बहुत फोकस किया है इस बार और केस स्टडी इसलिए भी दे रखी है ताकि आप उस केस को पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकाल सको कुल मिला के पार्ट जो ए है वो थर्टी टू मार्क्स का है यानी एटी मार्क्स का फोर्टी परसेंट पार्ट ये मैं आपको बता रहा हूं फिर आप नोट कर लो ये फोर्टी परसेंट पार्ट है फोर्टी परसेंट पार्ट यानी सिर्फ थर्टी टू मार्क्स का पार्ट ए है यानी फोर्टी परसेंट जो है फोर्टी परसेंट ऑफ एटी मार्क्स दैट इज थर्टी टू थर्टी टू मार्क्स के याद तो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या सिंगल आंसर यानी कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है वो क्वेश्चन है यानी ये पूरे वन मार्क्स का है राइट ये पार्ट ए है और जो पार्ट बी है रिमेनिंग जो क्वेश्चन है पार्ट बी का मैं डिस्कस कर रहा हूं पार्ट बी के अंदर अपने पास वो जो क्वेश्चन है वो टू मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं थ्री मार्क्स के क्वेश्चन भी और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन भी है ये सारे वन मार्क के क्वेश्चन है ये सब वन वन मार्क के क्वेश्चन राइट right? अब हम पार्ट ए का डिस्कशन कर रहे हैं पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए का पार्ट ए के अंदर जो हमारे पास है वो है दो सेक्शन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू पार्ट ए में हमारे पास दो सेक्शन है सेक्शन वन एंड सेक्शन टू सेक्शन वन अगेन वन मार्क के क्वेश्चन है उसमें सिंगल आंसर है यानी सीधा आपका आंसर आएगा यानी डिटेल की जरूरत नहीं है अगर आपने आंसर एग्जैक्ट लिखा है तो बात मिलेगा और जो सेक्शन वन है वो सेक्शन वन में हो सकता है कोई मल्टीपल चॉइस भी आ जाए ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस नहीं आ सकता हालांकि सैंपल पेपर में मल्टीपल चॉइस नहीं है सेक्शन वन में वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर टू सेक्शन टू में ओनली फोर क्वेश्चन है एंड और वो चारों केस स्टडी है अब ध्यान से सुना जो केस स्टडी है उसमें हर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में एक केस दे रखा है और उसके फाइव क्वेश्चन है उस फाइव क्वेश्चन में से आपको सिर्फ फोर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन किया उसमें रीड करना है इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सोल्व करना बिना पढ़े आप बुक के हिसाब से अपना आंसर नहीं दे सकते केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना है उससे इंटरप्रिटेशन निकलेगा तो सेवनटीन क्वेश्चन के पांच पार्ट हो गए ए बी सी डी

हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी का क्वेश्चन है मैंने आपको बताया टू right? मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आते थे वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंगल आंसर नहीं है उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है पर थोड़ा देना है राइट right? उसके मार्क्स तो का है अपने पास हो गए इसमें आप कंप्लीट रीज दे ज्योमेट्री में तीवे तीवे तो रीजन देना ही चाहिए बाकी भी आप अपने रीजन दे सकते हैं ये थे अपने ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन ये इसका कोई सेक्शन डिवाइडेड नहीं है पार्ट बी में ट्वेंटी सेवन से थर्टी थ्री ट्वेंटी सेवन से थर्टी थ्री हमारे पास ट्वेंटी वन मार्क्स के थ्री मार्क्स का इस क्वेश्चन है यानी सेवन क्वेश्चन है हर क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है राइट right? ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है राइट वेरी शॉर्ट नहीं ये शॉर्ट है पहले वाला टू मार्क्स का वेरी शॉर्ट था और वो तो डायरेक्ट था जो वन मार्क का था वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में आपको आंसर लिखना एक्सप्लेन देना है फॉर्मुला लिखना है मार्क्स होंगे अब जो लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन है थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स ये जो थ्री क्वेश्चन है मार्क्स के क्वेश्चन है इस फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बहुत टाइम बाद आया है राइट like, पहले सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते थे फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर है आपको डिटेल लिखना है और आपका कंप्लीट उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे ये मैंने बताया आपको पार्ट एंड पार्ट बी अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं इंटरनल चॉइस क्या है जो क्वेश्चन के उसके अंदर फाइव क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस है फाइव और, और जो केस स्टडी है उसके अंदर कोई चॉइस नहीं है पर हर केस स्टडी में फाइव क्वेश्चन आपको फोर अटेम्प्ट करना है यहां पर नेक्स्ट में आपका डिस्कशन कर रहा हूं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी टू मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको टू क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगे जो थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में है उसमें भी अपने को टू टू चॉइसेस मिलेगा यहां भी टू चॉइस है टू मार्क्स में थ्री मार्क्स में टू चॉइस है और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में वन चॉइस है यानी चॉइसेस बहुत सारी है अपने पास यानी आपको जो करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं यानी थर्टी सिक्स क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं वो भी थर्टी सिक्स नहीं है इसके फोर पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर जो अपने पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस आंसर आएंगे जो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग लेकिन ऐसा मेंशन नहीं हो सकता है कि वन वर्ड का भी क्वेश्चन आ सकता है तो दिस इज द सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया कि आपको पार्टी और पार्ट पार्टी में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको टाइम कितना देना है अब आप ध्यान से देखना अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हो एंड से भी शुरू कर सकते हो ये पेपर अपना तो जो अपना आंसर शीट आप स्टार्ट करो एग्जामिनेशन देना लेकिन आप ये ध्यान रखना स्टार्टिंग क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो राइट right? और लास्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए टाइम ही ना बचे तो आप टाइम जरूर मैनेजमेंट करना टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे प्रोसेस में राइट right? अब मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूं अब आप जो हम जो मेन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और केस स्टडी क्या है एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं या पहले तो ये टॉपिक है जो टॉपिक नहीं है मैं एक बार वो डिस्कस कर रहा हूं जैसे हमने बोला सबसे पहले नंबर सिस्टम इसमें रियल नंबर जो है उसमें क्या नहीं है यूक्टर डिविजन लेमा, उड़ा दो। पूरी उड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता एस निकालना हमको लेमा के अलावा भी आता है तो एस का क्वेश्चन आ सकता है उसके वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है यूक्लियर नहीं आएगा सेकंड एक्साइज इंपॉर्टेंट है थर्ड इंपॉर्टेंट है हमने सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन किए थर्ड एक्सरसाइज में प्रूव वाले क्वेश्चन किए और फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन किए यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन है टोटल अपने सिक्स मार्क का है इसमें यूक्लिड डिविजन लेमा नहीं आएगा हालांकि सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा पास. Next, अपने पास नेक्स्ट अपने पास एल्जेब्रा एल्जेब्रा में हमारे पास फोर चैप्टर्स है पॉलोमियर लिनर इक्वेशन कॉलिट इक्वेशन प्रोग्रेशन क्या नहीं आएगा और क्या आएगा एल्जेब्रा में ध्यान से देखना पोलिनोम अब polynomial में क्या है डिविजन अलगोरिथम लास्ट एक्सरसाइज उड़ा दो डिविजन अलगोरथम डिविजन से नहीं आएगा लास्ट एक्सरसाइज डिविजन अलगोरिथम बेस पे है वो डिविजन अलगोरिथम नहीं आएगा अब ध्यान से सुनना जब डिवीजन अलगोरिथम नहीं आएगा तो पोलिनोम के स्टार्टिंग की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करना अल्फा बीटा के क्वेश्चंस भी करने हैं अच्छे से क्योंकि जब सारा का सारा फोकस स्टार्टिंग पे होगा तो उसमें डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे ये ध्यान रखना क्योंकि मेजर चीज गई पॉलिनोमियल में डिवीजन तो मेजर चीज गई तो जो माइनर बचा है और यूजली बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड नाम से नहीं पूछ सकते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें लेकिन यह मत सोचना मैंने सोल्यूशन आएगा नो no सोल्यूशन आएगा आपकी एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही दे रखा है मैनी नो उससे मतलब नहीं है है वो आएगा राइट right? सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एथमेटिक और कॉलिटिक में वर्ड प्रॉब्लम एक तरह से नहीं आएंगे एक तरह से क्यों कह रहा हूं मैं आगे डिस्कस करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर बहुत अच्छे से करना उसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत बढ़िया से करना और बाकी सारे ग्राफ भी आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम बहुत आ सकती एक से ज़्यादा भी आ सकती है एक भी आ सकती है उसके अलावा नो सोल्यूशन नई सोल्यूशन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वारिटिक इक्वेशन की जो क्वारिटिक इक्वेशन है उसमें लिखा है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिड्यूस टू तो क्वारिटिक यानी क्वारिटिक डायरेक्ट हो तो वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं रिड्यूस करने वाले यानी डिनोमीटर वेरिएबल हो तो या और कुछ हो तो वो वाले क्वेश्चन रिड्यूस करने वाले नहीं आएंगे ये ऐसा लिखा है वो भी सिचुएशनल प्रॉब्लम लिखा है वर्ड प्रॉब्लम बट इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बेसिक के पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम एक्सैक्टली exactly नहीं कह सकते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं नहीं आएंगी जब आएगी तो SN वाली जो exercise, अप, सिर्फ एप्लीकेशन किसकी नहीं आएगी एस एन वाली बेस्ड ऑन सम ऑफ समर्म्स ए एन वाली एप्लीकेशन आ सकती है एस एन वाली एप्लीकेशन नहीं आएगी और बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज आएगा राइट ये हमने डिस्कशन किया एलजेबरा का एल्जेबरा के नेक्स्ट बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉर्डिनेट जोमेट्री ग्लास एक्सेस हटा दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आएगा बाकी सब कुछ सेक्शन फार्मूला आएगा डिस्टेंस फार्मूला आएगा और बहुत अच्छे से करना है वो ट्राइंगल में दो प्रूफ नहीं आएंगे एरिया वाली थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा और कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा बाकी के प्रूफ सब कुछ कोर्स में है सर्किल में कुछ भी हटाया नहीं है कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऑफ गिवन जो स्केल फैक्टर दे रखा है वो नहीं आएगा मेजर चीज उसमें हट गई अब सर्कल बहुत ध्यान से करना है लाइन सेगमेंट का डिवीजन बहुत ध्यान से करना है ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं हटा है जो अपना जीरो और नाइन्टी एग्जैक्ट है उसका प्रूफ नहीं है अपने पास और उसके अलावा अपने पास जो आइडेंटिटी है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है कॉम्प्लीमेंट नाइन्टी में सीट वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी बाकी सब कुछ आएगा हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आएगा मैंसुरेशन में हमने बोला तो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल 120 ट्वेंटी डिग्री यानी सिक्सटी आएगा नाइन्टी आएगा वन ट्वेंटी डिग्री वाला नहीं आएगा यानी दो एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं तो वन ट्वेंटी डिग्री वाले का जो प्रूफ बड़ा सा उसको आप छोड़ सकते हो सरफेस एरिया वॉल्यूम में फर्स्ट एंडाकोल नहीं आएगा तो यानी कि आ, अपने पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकेंड एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज है वो अपन एक्सरसाइज सब आएगी हाँ ये ध्यान रखना सब में ऑप्शनल एक्सरसाइज स्टैंडर्ड अगर एग्जाम दे रहे हो तो सब में ऑप्शनल एक्सरसाइज आ सकती है प्रोबेबिलिटी में तो वैसे बहुत छोटा चैप्टर है कोई रिडक्शन नहीं है चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर के थ्रू के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एक एक हम सैंपल पे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर का पैटर्न क्या होगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये अपने पास हो गया रियल नंबर एल्जेप्रा कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री टिकनोमेट्री मैं और स्टेटिस प्रोबिलिटी इस सबके पार्ट्स हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे अब नेक्स्ट हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर का सैंपल पेपर मैंने आपके लिए पूरा सेपरेट किया है चैप्टर वाइज के सिक्स मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं सैंपल पेपर में कैसे स्टैंडर्ड में बने हैं और कैसे बेसिक में बने हैं सबसे पहले हम रियल नंबर में दे रहे हैं तो ध्यान से देखना हमारे पास स्टैंडर्ड में कुल मिला के मार्क्स हैं तो वन टू और थ्री यानी स्टैंडर्ड को सैंपल पेपर है एक वन मार्क का क्वेश्चन आया एक टू मार्क क्वेश्चन आया और एक थ्री मार्क का क्वेश्चन है क्या क्या क्वेश्चन आए हैं जो वन मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर एच सी वाला क्वेश्चन है जो क्लियर तो आ नहीं रहा है तो एच सी वाला क्वेश्चन है और मैं लास्ट एक्सरसाइज का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर में है उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आ गया हमारे पास एलसीएम और एच सी का एप्लीकेशन आ गया एच सी एप्लीकेशन भी आ सकता है बिकॉज एच हमको डायरेक्ट निकालना आता है और वो प्रूव दैट यानी एक एक अपने पास सेकेंड एक्साइज का क्वेश्चन हो गया थर्ड एक्साइज का क्वेश्चन हो गया फोर्थ एक्साइज क्वेश्चन हो गया सब कुछ उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं और फर्स्ट की एप्लीकेशन आ सकती है ये तो था बेसिक सिक्स मार्क्स का वन टू और थ्री आया है बेसिक एक बार देखते हैं बेसिक में क्या, क्या क्या आया है बेसिक में भी देखना रूट थ्री का प्रूफ आया है यानी कि अपने सेकंड एक्सरसाइज में एच वाला क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वट मैटी है सेकेंड एक्साइज थर्ड एच वाला क्वेश्चन है 156 को प्राइम में लिखना है और रूट थ्री इेशनल है यानी आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या आएगा यानी रूट का प्रूफ जरूर आएगा अपने पास टर्म्यूटिंग नॉन टर्म्यूनेटिंग वाला एक पक्का आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा और जो अपने सेकंड उसमें लेकिन एप्लीकेशन भी आएगी एम के राइट अब हम चलते हैं एल्जेब्रा में एल्जेब्रा कुल मिला के ट्वेंटी मार्क्स का है मेजर है एलजेब्रा एल्जेब्रा के अंदर फोर चैप्टर्स है पोलिनोम लीनियर क्वाड्रेटिक एंड एपी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं पोलिनोम पोलिनोमियल अब टोटल ट्वेंटी मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं हो सकता है पॉलिमेल का ज्यादा हो लीनर का कम हो क्वालिटी का ज्यादा हो एपी का कम हो इस तरह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं एल्जेबरा में हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल्स के सबसे पहले पोलिनोमियल्स में जो स्टैंडर्ड है उसमें एक तो वन मार्क का क्वेश्चन है अब पॉलिनोमल में क्या चीज हट गई है डिवीजन हट गया है डिवीजन अथम तो बाकी चीज़ें कैसे फोकस है आप देखना सम ऑफ द जीरो एज थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द जीरोज दे रखा है और के की वैल्यू निकालनी है एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन नहीं है राइट सम ऑफ़ द जीरो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और के निकालना है देखना मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के जो भी अपने पास सेकेंड uh, चैप्टर में आपको डिटेल में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मोर देन एन सी आर टी अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आया देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ हमारे पास एक पूरा केस दे दिया उस केस में बता दिया कैसे पैराबोला बन रहा है उस पैराबोला के अंदर वटेक्स क्या है अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन वन टू थ्री नंबर ऑफ ऑफ पोलिनोमियल ग्राफ एवरीथिंग ये अपने पास वन टू थ्री फोर फोर क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ अकॉर्डिक पोलिनियल क्या होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब उस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आगे कंसेप्ट वही है फिर हमारे पास आ गया ए क्वेश्चन थर्ड यानी कि वन मार्क का क्वेश्चन ये हो गया फोर मार्क का ये हो गया और टू मार्क आइए हो गया यानी सिक्स मार्क अगला पोलिनोमियल है दो दे रखे हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्जुकेट है दो जीरो अपने को दे रखे हैं उन दो जीरो पॉल्यूमिल बनाना है अगेन ऐसा क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक है वो डिविजनल है लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेसिक में क्या है राइट अकॉर्टिकॉलने में सम एंड प्रोडक्ट ये एनसीआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन में ये भी अपने को दे रखा है ये भी अपने पास जो है केस स्टडी है केस स्टडी में शेप का नाम और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये अपने पास क्वेश्चन आ गया तो ये जो अपने पास है ये हमने डिस्कशन किया है ये डिस्कशन किया हमने पॉलिनोम का वन और फोर फाइव मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ गया ओके नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया आपके साथ लीनियर इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब कुछ एन का कोर्स में है

वो वो कभी पूछा है कंसिस्टेंट कंसिस्ट पूछा है और उसके बाद वन मार्क के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है यानी दोनों एक जैसे ही आ गए उसमें <coughs> यह हमारे पास हमने डिस्कशन किया लीनियर इक्वेशन का अब अपन चल रहे हैं क्वारिटिक इक्वेशन के इक्वेशन में फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन इक्वल रूट्स रूट्स आर इक्वल पॉल्यूमेल में जीरोज बोलते हैं इसमें रूट्स बोलते हैं ज़्यादा कहानी डिफरेंट नहीं है वह इक्वल टू है इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है कि अपनेक्वल रूट का के के निकालना है यानी बी ए स्क्वायर माइनस फोर एस इको सुझे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी बहुत ज्यादा डिटेक्ट नहीं हुआ है जो उसमें दे रखा वर्ड प्रॉब्लम पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं सेवंथ क्वेश्चन में रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के हैज अ रियल रूट यानी वो रियल रूट वाला है ऊपर इक्वल रूट वाला है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पहले ही हट गया था वो तो आपके कोर्स में नहीं है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज फाइंड यानी ये देखो ये भी रूट का क्वेश्चन इक्वल रूट ये भी रूट का क्वेश्चन नो रियल रूट यहां सिर्फ एक क्वेश्चन है रूट्स निकालने, है, किसी मेथड से निकाल सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं है पर P, नहीं, alpha, beta वाला, ये देखना जो और पार्ट क्वेश्चन आया है अल्फा माइनस बीटा की क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें भी करने पड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा होली स्क्वार थर्टी थ्री वाले क्वेश्चन में, में अपने पास इसमें जो स्पीड वाला क्वेश्चन दे दिया और कॉन्जिक्यूटिंग इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ पहली बार इस पेपर में बेसिक में ये रिड्यूस टू क्वालिटिक है पर यह भी क्वेश्चन दे रखा है तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है बाकी टू कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है पर ये और में है तो चलेगा नाउ हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एस एन की एप्लीकेशन नहीं है राइट तो विच टर्म इज जीरो बाकी सब चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एनसीआरटी बुक में सफिशियंट और ज्यादा डिटेक्ट भी नहीं हुआ है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डी दे रखा है एन ए एन दे रखा है और ये क्वेश्चन है तो सम का क्वेश्चन एक तो ए एन का आप अच्छे से कर लेना कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेना है की एप्लीकेशन भी कर लेना हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एप्टी थर्टी सिक्स ऑफ टर्म्स निकालने राइट इसमें कहीं पैकॉरिटिकोनाज हाउ मच नोट्स? तो यानी ये ए एन का वर्ड प्रॉब्लम आएगा ये ध्यान रखना पी एच ये वर्ड प्रॉब्लम आएगी ही नहीं पी एथ क्यू एथ आर एन टर्म रिस्पेक्टिवली ये दे रखा है इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है इज गुड क्वेश्चन नौ सी नेक्स्ट हम कह रहे हैं कॉर्डिनेट सिक्स मार्क्स की है कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट का पहला ही केस स्टडी का क्वेश्चन है केस स्टडी के अंदर टॉप व्यू और ये आपके पास क्वेश्चन है बेस्ड ऑन केस स्टडी क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत डिफिकल्ट नहीं है यू कैन फाइंड क्या इसमें भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि थ्री डी में भी कैसे आता है टू डी बेजिस कैसे ही होती है सिंपल क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस ये आपका सीधा इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है टू मार्क्स का पी एंड क्यू कोऑर्डिनेट यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल हटाया बाकी सब आपके कोर्स में है तो सफिशियंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन जैसे आपके बुक वाले प्रॉब्लम्स उसमें एप्लीकेशन जो भी प्रॉब्लम है वो सारी एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो है जो कोऑर्डिनेट में स्पेशली वो आपकी बुक में दे रखी है तो केस स्टडी उससे भी बनती है बेसिक में वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको राइट right? यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट रेशियो निकालना है रेशियो भी आप निकाल सकते हैं एम वन एम टू फाइन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई का रिलेशन वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक में आया तो अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री फिफ्टीन मार्क्स की है ट्राइंगल सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन ये हमारा फिफ्टीन मार्क्स का ट्राइंगल सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही लिमिटेड हो गया ट्राइंगल में दो थ्योरम का प्रूफ नहीं है स्टैंडर्ड में क्या क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखना ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इनर ट्राइंगल ए बी सी दिस पॉइंट आर गिवन यानी अपने पास बी और सिंपल सिमिलरिटी ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आगे हमें स्केल फैक्टर दे रखा है रोटेशन ध्यान से आपको पढ़ना है आंसर निकालना है डायग्राम देखे घबराना मत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं और एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन की चॉइस भी है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि चॉइस भी उसमें फोर में से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्टी पैरिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल रेशियो ऑफ टू ऑफ पैरमीटर ट्राइंगल साइड्स इक्वली ट्राइंगल का एन का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है ये सिंपल आपका बेसिक है डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है जो बी या सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें भी एप्लीकेशन जो है वो सिमिलरिटी के ऊपर ही है एप्लीकेशन मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया अपने पास सर्कल में सर्कल में तो बहुत लंबा छोड़ा सर्कल है ही नहीं अपने सर्कल में तो छोटा ही सर्कल है तो सर्कल के अंदर कुछ भी डिडेक्शन नहीं हुआ है तो सारा के सर एन सी है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आप कर लेना है सर्कल में दो ही थ्योरम है रेडियस uh, of contact पॉइंट ऑफ external एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ are equal ये अपने पास दो तीन क्वेश्चन थे सिंपल एप्लीकेशन की बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जांपल आपका दे रखा था हाँ कंस्ट्रक्शन में ये हो गया लाइन सेगमेंट का डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ लाइन सेगमेंट सर्किल वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ भी आपका लाइन सेगमेंट का डिविजन आ गया लाइन सेगमेंट डिवाइड रेशियो ये लाइन सेगमेंट का डिवीजन डिविजन और इम्पोर्टेंट है नाउ टिक्नोमेट्री ट्वेल्व मार्क्स की टिक्नोमेट्री है इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिटीज ये अपने पास आ गया इसके अंदर साइन ए प्लस कॉस बी एंगल एक्यूट एंगल फाइन द एंगल बी सिंपल जो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यानी राइट एंगल बेस बाकी हम निकाल सकते हैं यहाँ अपने को सेकेंड में आपको थीटा निकालना है एक्स और वाई करके ये क्या कर रहा है एक्स प्लस नहीं निकालना है सॉरी ले लेंगे और आइडेंटिटी लगा देंगे identity का है है ये first question है, equals इसमें बहुत extra की करने की जरूरत नहीं है यू कैन फाइंड द आंसर वैल्यू ऑफ थीटा निकालना इंपॉर्टेंट देखना थीटा की वैल्यूज बहुत पूछी है यहाँ पर फिफ्टीन cot है यहाँ पर टेन cot भी ये अपने को डायग्राम दे रखा है ये simple identity है जो एनसीईआरटी बुक में है ये देखना इसमें कंडीशन नहीं लिख रखी है तो आप वन की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है तो एन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप फलि ना हाइट एंड डिस्टेंस में से राइट नाउ सी द नेक्स्ट इज एरे रिलेटेड टू सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर हमारे पास डिटेक्ट वन डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है तो सिक्सटी और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन है ये अपने पास जो मैंशन की बात कर रहा था राइट right. नेक्स्ट अपने पास सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें से भी फ्रस्टम के अलावा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है और इसका भी यहाँ पर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे, बेस दे रखा है स्टेटस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टेटस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है स्टेटस्टिक्स में जो डिटेक्शन हुआ है वो हुआ है आपका स्टेप डिवियशन मैथड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेप डिविशन मैथड बिना सारे क्वेश्चन होते हैं स्टेटस्टिक्स में स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज है बिकॉज केस स्टडी खूब होती है स्टेटस्टिक्स में केस स्टडी बेस ही बनता है स्टेटस्टिक्स तो बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मीन निकालना है मीड निकालना हाँ एक और बात बताना भूल गया ओजाइव भी नहीं है ओ जी आई वी ओजाइव कब आपके कोर्स में नहीं है तो ओजाइव भी नहीं आएगा ये दो चीजें डिटेक्ट उसमें हुई है डेट्स ऑल क्लास मैंने बहुत अच्छे से प्रॉबलिटी में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है बहुत अच्छे से आपको करना है मैंने आपको बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, है किस पे फोकस करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है क्वेश्चन कैसे बनेंगे सैंपल पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया आप इसको फोकस करके अपना प्रिपरेशन करना रिवीजन करना आप पहला प्री बोर्ड दे रहे हो उसके बाद सेकंड प्री बोर्ड दो या प्री बोर्ड देने के बाद आप प्रैक्टिस पेपर्स लो तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो के स्टडी बेस्ट खूब सारे क्वेश्चन भी आप ही करना आगे आगे सैंपल पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो भी आप पढ़ो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना जो आपके सिलेबस में आ रहा है ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच क्लास टेंथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम